सेवेंथ वाला क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन में लिखा है इंसर्ट इंसर्ट 100 रेशनल नंबर। कल मैंने 10 रेशनल नंबर इंसर्ट करने बताए थे, तो हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिए थे। अब हम मैं इस पे बता रहा हूं कि कैसे हमें इंसर्ट करने हैं 100 बिट पी। -3/30 एंड 9/30। सॉल्व कर देखना शिवांश एंड अदर स्टूडेंट्स जो भी अभी प्रेजेंट हैं। देखो सिंपल से इसमें क्या लिखा है, 100 डेसिमल नंबर हमें क्या करने हैं, इसमें इंसर्ट करने हैं। अब 100 डेसिमल नंबर कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या थी, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हियर द डिनोमिनेटर, फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉलो होती है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो दैट द डिनोमिनेटर आर सेम, द डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, ठीक है। सेकेंड सेकेंड हमें देखना है डिफरेंस न्यूमरेटर और सॉरी दोनों के न्यूमरेटर में डिफरेंस कितना है, दोनों के न्यूमरेटर, या आप ऐसा कर सकते हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसने बोला कितने रेशनल नंबर, 100 रेशनल नंबर, आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर सकते हो आप डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। हाँ नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 टू बोथ रेशनल नंबर, हमें जितने रेशनल नंबर निकालना हो टू बोथ रेशनल नंबर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऑन न्यूमरेटर, ये आपको देखना है, मतलब बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल, मतलब आपको कहीं समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में कई थाउजेंड्स, मतलब कई मैं इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। सो आप कोई भी रेशनल नंबर निकाल सकते हो, दो के बीच में उसने 100 बोला तो कोई भी 100 निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है जो बुक ने निकाले वही हमें निकाले, वी कैन फाइंड आउट सम अदर रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू रेशनल नंबर। देखिए द डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर आर सेम होने चाहिए, नाउ मल्टीप्लाई बाय 100, नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 टू बोथ रेशनल नंबर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है 100 का, ठीक है ना। क्यों करना है, क्योंकि हमें 100 रेशनल नंबर निकालने हैं, सिंपल सा तरीका है, मतलब आपको ज्यादा माइंड खर्च करने की इसमें जरूरत नहीं रहेगी। देखो कैसे, हाँ क्या है, -3/30 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी करना है डिनोमिनेटर में भी करना है, एंड इसमें क्या हो जाएगा 9/30 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखिए क्या आएगा, इधर से इधर आएगा -300/1300 और इधर क्या आएगा 900/1300, ये दोनों आएंगे। सिंपल सा आपको देख रहे हो ना कि फर्स्ट आपको देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है, हाँ है सेम, नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 टू बोथ रेशनल नंबर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जितने भी निकाल लो, 100 निकाल लेते इसलिए मैंने 100 का के। अब आप देख लीजिए -300/1300, ये छोटा है ना, सबसे छोटा है, इसके बाद वाले बड़े आएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, तो -300 के बाद कौन सा आता है -299/1300, फिर इसके बाद वाला क्या आएगा -298/1300। तो आप ऐसे बीच बीच में डॉट 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 डॉट, क्योंकि 100 लिखेंगे तो हमारा बोर्ड भर जाएगा, अगर पूरे 100 डेसिमल नंबर लिखेंगे ना तो हमारा बोर्ड भर जाएगा, तो हम डॉट 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 और ऐसा लिख देंगे माइनस का
कहां से 300 से चालू किया था, माइनस का 200 अपॉन 1300, 300 और 200 के बीच में कितना होता है डिफरेंस, 100 का होता है ना, 300 और 200 मतलब हाँ, तो इधर कितने रेशनल नंबर लिखे हैं, 100 रेशनल नंबर लिखे हैं, और ये क्या लिखा है आपका इधर क्या था 900 अपॉन 1300, ये आ गया। मतलब बुक में ऐसा नहीं है, बुक में कुछ क्योंकि हम और भी लिख सकते हैं, ये दो रेशनल नंबर के बीच में अकेले एक रेशनल नंबर नहीं आता है, या 100 नहीं आते, या 1000 नहीं आते, इनमें लाख मिलियन कई रेशनल नंबर जितने आप बना सकते हो, जितने आप में दम, समझ गए ना। तो हमें तो केवल 100 लिख रहे थे, तो मैंने 100 लिख दिए। आप एक चीज और कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि 300 है, दिस इज 300, तो ये 300 एक किससे आया था, ये आया था माइनस 13 अपॉन माइनस 3 अपॉन 13 से, तो इधर लिख दो माइनस 3 अपॉन 13 ग्रेटर माइनस 299 अपॉन 1300 ग्रेटर माइनस 298 अपॉन 1300 ग्रेटर, ठीक है ना, डॉट 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 फिर ग्रेटर माइनस का 200 अपॉन 1300, और ए वाला नंबर किससे आया था, ए वाला आया था इससे, ए जो नंबर है वो किससे आया था 9 अपॉन 13, तो 9 अपॉन 13, तो हमने इन दो के बीच में 9 अपॉन 13 और माइनस 3 अपॉन 13 के बीच में हमने ए नंबर निकाल लिया। आप लोग देख लो, कहीं भी डाउट हो पूछ लो, है ना, ए जो नंबर निकाले थे बीच में, देखना आप काउंट करना 100 होंगे, क्योंकि 299 से स्टार्ट कर रहे हैं और 200 तक जा रहे हैं, तो कितने होंगे रेशनल नंबर, 100 रेशनल नंबर होंगे। आप काउंट भी कर सकते हो, यू कैन काउंट डाउन, लेकिन आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक मिनट का समय देता हूं टू बोथ बोथ रेशनल नंबर, हमें जितने रेशनल नंबर निकालना हो टू बोथ रेशनल नंबर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर, ऑन न्यूमरेटर ये आपको देखना है, मतलब बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल, मतलब आपको कहीं समस्या आने वाली ही नहीं है, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में कई थाउजेंड्स मतलब कई मैं इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। सो आप कोई भी रेशनल नंबर निकाल सकते हो, दो के बीच में उसने 100 बोला तो कोई भी 100 निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है जो बुक ने निकाले वही हमें निकाल ले, वी कैन फाइंड आउट सम अदर रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू रेशनल नंबर। देखिए द डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर आर सेम होने चाहिए, नाउ मल्टीप्लाई बाय 100, नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 टू बोथ रेशनल नंबर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है 100 का, ठीक है ना। क्यों करना है, क्योंकि हमें 100 रेशनल नंबर निकालने हैं, सिंपल सा तरीका है, मतलब आपको ज्यादा माइंड खर्च करने की इसमें जरूरत नहीं रहेगी। देखो कैसे, हाँ क्या है, माइनस 3 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी करना है डिनोमिनेटर में भी करना है, एंड इसमें क्या हो जाएगा 9 बाई 13 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखिए क्या आएगा, इधर से इधर आएगा माइनस 300 अपॉन 1300 और इधर क्या आएगा 900 अपॉन 1300, ये दोनों आएंगे सिंपल सा। आपको देख रहे हो ना कि फर्स्ट आपको देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है, हाँ है सेम, नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 टू बोथ रेशनल नंबर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जितने भी निकाल लो, 100 निकाल लेते इसलिए मैंने 100 का किया। अब आप देख लीजिए माइनस 300 अपॉन 1300, ये छोटा है ना, सबसे छोटा है, इसके बाद वाले बड़े आएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, तो माइनस 300 के बाद कौन सा आता है, माइनस 299 अपॉन 1300, फिर इसके बाद वाला क्या आएगा माइनस 298 अपॉन 1300, तो आप ऐसे बीच बीच में डॉट 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 डॉट
क्योंकि 100 लिखेंगे तो हमारा बोर्ड भर जाएगा, अगर पूरे 100 डेसिमल नंबर लिखेंगे ना तो हमारा बोर्ड भर जाएगा, तो हम डॉट 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 और ऐसा लिख देंगे माइनस का, कहां से 300 से चालू किया था, माइनस का 200 अपॉन 1300। 300 और 200 के बीच में कितना होता है डिफरेंस, 100 का होता है ना, 300 और 200 मतलब हाँ, तो इधर कितने डेसिमल नंबर लिखे हैं, 100 डेसिमल नंबर लिखे हैं, और ये क्या लिखा है आपका, इधर क्या था 900 अपॉन 1300, ये आ गया। मतलब बुक में ऐसा नहीं है, बुक में कुछ, क्योंकि हम और भी लिख सकते हैं, ये दो रेशनल नंबर के बीच में अकेले एक रेशनल नंबर नहीं आता है, या 100 नहीं आते, या 1000 नहीं आते, इनमें लाख मिलियन कई रेशनल नंबर जितने आप बना सकते हो, जितनी आप में दम, समझ गए ना। तो हमें तो केवल 100 लिखने थे, तो मैंने 100 लिख दिए। आप एक चीज और कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि 300 है, दिस इज 300, तो ये 300 एक किससे आया था, ये आया था माइनस 13 अपॉन माइनस 3 अपॉन 13 से, तो इधर लिख दो माइनस 3 अपॉन 13 ग्रेटर माइनस 299 अपॉन 1300 ग्रेटर माइनस 298 अपॉन 1300 ग्रेटर, ठीक है ना, डॉट 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 फिर ग्रेटर माइनस का 200 अपॉन 1300, और ए वाला नंबर किससे आया था, ए वाला आया था इससे, ए जो नंबर है वो किससे आया था, 9/13, तो 9/13, तो हमने इन दो के बीच में 9/13 और -3/13 के बीच में हमने ए नंबर निकाल लिया। आप लोग देख लो, कहीं भी डाउट हो पूछ लो, है ना, ए जो नंबर निकाले थे बीच में, देखना आप काउंट करना 100 होंगे, क्योंकि 299 से स्टार्ट कर रहे हैं और 200 तक जा रहे हैं, तो कितने होंगे रेशनल नंबर, 100 रेशनल नंबर होंगे। आप काउंट भी कर सकते, यू कैन काउंट डाउन, लेकिन आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक मिनट का समय देता हूं, नोट डाउन, ओके नोट डाउन करिए जब तक मैं, हाँ, 4 स्टूडेंट एब्सेंट, 4 स्टूडेंट प्रेजेंट, 6 स्टूडेंट एब्सेंट। मैथ सच में, मैथ तो सच में सबको बुरी लगती है, सिर्फ हम ही को अच्छी लगती है, ऐसा है क्या, आप लोग अगर अच्छे से पढ़े ना तो मैथ से अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, आगे चल के मैथ बहुत काम में आती है, इफ यू वांट टू बी अ इंजीनियर, इफ यू वांट टू बी अ मैनेजर, हाँ तो हाँ तो क्या करें, हमको घर पे इनविटेशन कार्ड देने जाएंगे कल से, है ना, ठीक है, ओके, एट्थ वाला, अब हमें एट्थ वाला क्वेश्चन करना है, सब लोग नोट डाउन कर लें इसको, एट्थ वाला क्वेश्चन करना है, एट्थ वाले क्वेश्चन में इंसर्ट ही करना है, इंसर्ट कितने रेशन नंबर, हमें 6 निकालना है, 60 निकालना है, 600 निकालना है, ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखना सभी बच्चे, हाँ अच्छा क्लियर नहीं आ रहा है, आप लोगों का नेट तो बचा है कि खत्म हो गया है, अच्छा अच्छा एक मिनट, स्टेबल हो तो बोर्ड क्लियर आएगा, स्टेबल नहीं है बिल्कुल, हाँ अब आया नहीं आया, एक अब आया नहीं आया, हेलो नहीं आया, चलो मैं रुको एक मिनट, एक मिनट,
हाँ हेलो, आप बताइए क्या क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो 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 ऑल ऑफ यू, शिवांश, हेलो शिवांश, हेलो 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 शिवान, सब क्लियर आ रहा है कि नहीं? हेलो ओके ओके, बोर्ड इज क्लियर ओके। तो आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे, आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है, बाय बाय, सबको म्यूट रखे हो। हेलो शिवांश, अपनी अपनी हाँ देखिए, हेलो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को? हेलो हेलो हेलो, वॉइस, कोई बच्चे अपना माइक को अनम्यूट रख के, शिवांश अपना अनम्यूट करके मुझे कुछ बताइए, वॉइस आ रही है आपको? हाँ शिवांश बोलो, हेलो ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की वॉइस मुझे नहीं आ रही है, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ओके। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 में निकालना है कि 6 5 6, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में आपको निकालना है 60, थर्ड वाले में 600, ठीक है ना? रेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल नंबर बिटवीन -5/8 and 3/8, ठीक है? अब देखना, फर्स्ट आपका पॉइंट क्या था? डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर और सॉरी दोनों के न्यूमरेटर में डिफरेंस कितना है? दोनों के न्यूमरेटर, या आप ऐसा कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसने बोला कितने रेशनल नंबर, 100 रेशनल नंबर, आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। हाँ नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 टू बोथ रेशनल नंबर, हमें जितने रेशनल नंबर निकालना हो टू बोथ रेशनल नंबर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऑन न्यूमरेटर, ये आपको देखना है, मतलब बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल, मतलब आपको कहीं समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में कई थाउजेंड्स, मतलब कई मैं इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। सो आप कोई भी रेशनल नंबर निकाल सकते हो, दो के बीच में उसने 100 बोला तो कोई भी 100 निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है जो बुक ने निकाले वही हमें निकाले, वी कैन फाइंड आउट सम अदर रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू रेशनल नंबर। देखिए द डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर आर सेम होने चाहिए, नाउ मल्टीप्लाई बाय
100, now multiply by 100 to both rational number on numerator and denominator. मतलब हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है 100 का, ठीक है ना। क्यों करना है? क्योंकि हमें 100 रेशनल नंबर निकालने हैं। ये सिंपल सा तरीका है, मतलब आपको ज्यादा माइंड खर्च करने की इसमें जरूरत नहीं रहेगी। देखो कैसे, हाँ क्या है, -3/30 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी करना है डिनोमिनेटर में भी करना है, एंड इसमें क्या हो जाएगा 9/30 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखिए क्या आएगा, इधर से इधर आएगा -300/1300 और इधर क्या आएगा 900/1300, ये दोनों आएंगे। सिंपल सा आपको देख रहे हो ना कि फर्स्ट आपको देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है, हाँ है सेम। नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 टू बोथ रेशनल नंबर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जितने भी निकाल लो, 100 निकाल लेते इसलिए मैंने 100 का किया। अब आप देख लीजिए -300/1300, ये छोटा है ना, सबसे छोटा है, इसके बाद वाले बड़े आएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। तो -300 के बाद कौन सा आता है, -299/1300, फिर इसके बाद वाला क्या आएगा -298/1300। तो आप ऐसे बीच बीच में डॉट 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 डॉट, क्योंकि 100 लिखेंगे तो हमारा बोर्ड भर जाएगा, अगर पूरे 100 डिजिटल नंबर लिखेंगे ना तो हमारा बोर्ड भर जाएगा, तो हम डॉट 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 और ऐसा लिख देंगे माइनस का, कहां से 300 से चालू किया था, माइनस का 200/1300। 300 और 200 के बीच में कितना होता है डिफरेंस, 100 का होता है ना, 300 और 200 मतलब, हाँ तो इधर कितने रेशनल नंबर लिखे हैं, 100 रेशनल नंबर लिखे हैं, और ये क्या लिखा है आपका, इधर क्या था 900/1300, ये आ गया। मतलब बुक में ऐसा नहीं है, बुक में कुछ, क्योंकि हम और भी लिख सकते हैं, ये दो रेशनल नंबर के बीच में अकेले एक रेशनल नंबर नहीं आता है, या 100 नहीं आती, या 1000 नहीं आते, इनमें लाख मिलियन कई रेशनल नंबर, जितने आप बना सकते हो, जितनी आप में दम, समझ गए ना। तो हमें तो केवल 100 लिख रहे थे, तो मैंने 100 लिख दिए। आप एक चीज और कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि 300 है, दिस इज 300, तो ये 300 एक किससे आया था, ये आया था -3/13 से, तो इधर लिख दो -3/13 ग्रेटर -299/1300 ग्रेटर -298/1300 ग्रेटर, ठीक है ना, डॉट 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 डॉट, फिर ग्रेटर माइनस का 200/1300 और ए वाला नंबर किससे आया था, ए वाला आया था इससे, ए जो नंबर है वो किससे आया था 9/13, तो 9/13, तो हमने इन दो के बीच में 9/13 और -3/13 के बीच में हमने ए नंबर निकाल लिया। आप लोग देख लो, कहीं भी डाउट हो पूछ लो, है ना, ए जो नंबर निकालने थे बीच में, देखना आप काउंट करना 100 होंगे, क्योंकि 299 से स्टार्ट कर रहे हैं और 200 तक जा रहे हैं, तो कितने होंगे रेशनल नंबर, 100 रेशनल नंबर होंगे। आप काउंट भी कर सकते हो, यू कैन काउंट डाउन, लेकिन आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक मिनट का समय देता हूं, नोट डाउन, ओके नोट डाउन करिए जब तक मैं, हाँ 4 स्टूडेंट प्रेजेंट 6 स्टूडेंट एब्सेंट। मैथ सच में, मैथ तो सच में सबको बुरी लगती है, सिर्फ हम ही को अच्छी लगती है, ऐसा है क्या। आप लोग अगर अच्छे से पढ़े ना, तो मैथ से अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, आगे चल के मैथ बहुत काम में आती है, इफ यू वांट टू बी अ इंजीनियर, इफ यू वांट टू बी अ मैनेजर, हाँ तो हाँ 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 तो
क्या करें, उनको घर पे इनविटेशन कार्ड देने जाएंगे कल से, है ना? ठीक है, ओके। एट्थ वाला, अब हमें एट्थ वाला क्वेश्चन करना है, सब लोग नोट डाउन कर लें इसको। एट्थ वाला क्वेश्चन करना है, एट्थ वाले क्वेश्चन में इंसर्ट ही करना है। इंसर्ट कितने रेशन नंबर, हमें 6 निकालना है, 60 निकालना है, 600 निकालना है, ठीक है? देखो देखो ध्यान से देखना सभी बच्चे। हाँ अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा है आप लोगों का? नेट तो बचा है कि खत्म हो गया है? अच्छा अच्छा, एक मिनट, स्टेबल हो तो बोर्ड क्लियर आएगा, स्टेबल नहीं है बिल्कुल। हाँ अब आया? नहीं आया। एक अब आया? नहीं आया। हेलो, नहीं आया। चलो मैं रुको, एक मिनट एक मिनट। हाँ हेलो, आप बताइए क्या क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो 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 हेलो, ऑल ऑफ यू, शिवांश, हेलो शिवांश, हेलो हेलो, हेलो हेलो शिवांश, सब क्लियर आ रहा है कि नहीं? हेलो ओके ओके, बोर्ड इज क्लियर, ओके। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे, आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है, वाई बाय, सबको म्यूट रखे हो। हेलो शिवांश, अपनी अपनी हाँ देखिए, हेलो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को? हेलो हेलो हेलो, वॉइस, कोई बच्चे अपना माइक को अनम्यूट रख के, शिवांश अपना अनम्यूट करके मुझे कुछ बताइए, वॉइस आ रही है आपको? हाँ शिवांश बोलो, हेलो ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की वॉइस मुझे नहीं आ रही है, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है,
ओके आप देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में निकालना है कि 6.6 फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में आपको निकालना है 60, थर्ड वाले में 600, ठीक है ना। रेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल नंबर बिटवीन -5/8 and 3/8, ठीक है। अब देखना फर्स्ट आपका पॉइंट क्या था, डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है। आप लोगों की वॉइस मुझे नहीं आ रही है, आप लोग न जाने। हेलो, हाँ अभी किसी की आई, हेलो, हाँ वॉइस आ रही है, अब आ रही है। आपको मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं? बस ठीक है, ठीक बोर्ड बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है बोर्ड, नहीं आ रहा। हेलो, बोर्ड आ रहा है, वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो हेलो, वीडियो आ रहा है आपको? वीडियो नहीं आ रहा, एक मिनट। अब आया वीडियो, ठीक है, हाँ मेरी वॉइस, हाँ वॉइस भी आ रही है। हेलो, ठीक है ठीक है, आप लोग क्लास को, हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या है कि प्लीज डिस्टर्ब ना हो, बहुत समय निकल गया। देखो सिक्स हमें क्या लिखा है, डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें क्या करना है, हमें कितने निकालने, मैक्सिमम कितने निकालने, मैक्सिमम जितने निकालने हैं हम पहले उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ मैक्सिमम निकालने पहले डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस नहीं देखो और डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दो, 600 का कर दो। देखो मल्टीप्लाई हमें मैक्सिमम, तो हमारे उसमें 6 भी आ जाएंगे, 60 भी आ जाएंगे, 600 मल्टीप्लाई वाई, जब हम फर्स्ट वाला करेंगे, जब हम फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई बाय 600 ऑन टू बोथ रेशनल नंबर, बोथ रेशनल नंबर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। आपको मल्टीप्लाई बाय 600 टू बोथ रेशनल नंबर ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्यों मैं 600 का क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं 600 रेशनल नंबर निकाल लूंगा तो उसमें से 6 भी लिख दूंगा, उसी में से मैं 60 भी लिख दूंगा। तो क्यों हम अलग अलग करें, 6 के लिए अलग करें, 60 के लिए अलग करें, 600 के लिए अलग करें। देखिए, हाँ देखिए ध्यान से देखना, -5/8 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 600 एंड क्या है, 3/8 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 600, क्या मिलता है आपको? -6 का 5 से करते हैं तो -3000/4800 एंड इधर करते हैं तो क्या आएगा, 1800 upon 6, 4800। वोट क्लियर नहीं आ रहा है बेटा? बिल्कुल अच्छा, शिवांश आपके में भी नहीं आ रहा, बोली बोली।
अच्छा अच्छा हाँ, जो बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट एक मुझे पर्सनली मैसेज करना जरा, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर पर्सनली मैसेज करना, ठीक है ना? ओके, अभी आप लिसन करिए, वीडियो बन रही, हाँ वीडियो बन रही है, ठीक है, वीडियो बन रहा है तो आपको सेंड कर देंगे हम, ठीक है? तो आप देखिए माइलेज इसमें कितने, हाँ कितने रेशनल नंबर लिखने, 600 रेशनल नंबर लिखने। तो देखिए पहले तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 6 रेशनल नंबर, कितने लिखने हैं 6, तो माइनस 3000 अपॉन 4800 6 लिख दीजिए, माइनस 2999 अपॉन 4800 इससे बड़ा क्या होता है ये वाला, फिर माइनस 2998 अपॉन 4800 हमें कितने लिखने 6 डेट डेस देखिए 1 2 98 97 पे 3 96 पे 4 95 पे 5 और 94 पे, तो 2000 माइनस का 2994 अपॉन 4800, तो ये 6 रेशनल नंबर मैंने लिख दिए और ये कौन सा है, फिर ये आपका बचता है 1800 अपॉन 4800, तो ये बीच के 6 रेशनल नंबर मैंने लिख दी, ठीक है ना? बुक में आंसर में कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। इस तरीके से सेकंड में आपको कितने लिखने हैं, 60 लिखने हैं, ठीक है ना? सेकंड में 60 लिखने हैं, तो माइनस का 3000 अपॉन 4800 हाँ देखिए माइनस का 2999 अपॉन का 4800 डेड डेड डैश डैश डैश